हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे आज के सारे अपडेट के बारे में कि हमें आज के दिन क्या क्या अपडेट देखने को मिले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। मूवी को ज्यादा टाइम नहीं रह गया रिलीज होने में और मार्वल ने फाइनली ऑफिशियली रिलीज कर दिए इसके कैरेक्टर पोस्टर। आप देख सकते हैं थॉर, जेन, वैल्करी, गौर और क्रॉक कितने ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। और बात करी जाए कुछ स्पेशल कैरेक्टर की, तो यहाँ पे भाई दोनों बकरियों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मुझे मालूम है ये दोनों धमाका मचाने वाली हैं थॉर लव एंड थंडर में। और उसी के साथ बात करें अगर कुछ एक्स्ट्रा पोस्टर की, जो कि ब्रांड न्यू IMAX रियल 3D स्क्रीन एक्स तक के पोस्टर रिलीज करे गए हैं। और एक पोस्टर तो भाई इंडिया को प्रेजेंट करके रिलीज करा गया है, जिसमें कि थॉर बिल्कुल योगा वाले स्टाइल में अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर बैठा हुआ है। तो ये पोस्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है इंडिया में। चलिए अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि ये बहुत ही कमाल का शीएल से रिलेटेड। तो शीएल के न्यू प्रोमो रिलीज हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर शीएल को काफी ज्यादा हरा भरा दिखाया गया है, यानी कि सीरीज में ह्यूमन कैरेक्टर बहुत कम होने वाला है और हरा भरा ज्यादा होने वाला है। आपको क्या लगता है इन कैरेक्टर पोस्टर को, इन आर्टवर्क्स को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चलिए अब बात करते हैं सोनी के रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो फाइनली रिलीज हो चुका है स्पाइडर वर्स का पहला पोस्टर आर्टवर्क, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका विलेन भी रिवील्ड कर दिया गया है, जो कि है स्पॉट। तो आपने अगर एनिमेशन सीरीज देखी होंगी तो स्पॉट को तो जरूर देखा होगा, बहुत ही कमाल का यूनिक कैरेक्टर है और इसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। अब ये स्पाइडर वर्स मूवी का आने वाला विलेन है, तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस मूवी के लिए। चलिए अब बात करते हैं वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो ब्लैक पैंथर 2 के ऑफिशियली दो न्यू लुक आ चुके हैं सामने, एक तो ओकोई का और एक शुरी का। लुक बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है शुरी का, क्योंकि ओकोई का तो पहले जैसा ही लग रहा है, पर शुरी का लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कपड़े एकदम काफी ज्यादा चेंजेस है। क्या लगता है ये ब्लैक पैंथर होगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ अब बात करते हैं मार्टिन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो मार्टिन को तो सभी जानते होंगे, जो कि ब्लैक पैंथर मूवी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं और सिविल वॉर में भी। और अब अपडेट ये भी आ रहे हैं कि वो आने वाली फ्यूचर सीरीज सीक्रेट इन्वेंशन में एक एपिसोड में आने वाले हैं कैमियो के तौर पर, और देखते हैं कि एक एपिसोड में इनका क्या रोल होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली कल के दिन से स्टार्ट हो चुकी लोकी सीजन 2 की शूटिंग और राइटर्स ने ये बिहाइंड द सीन इमेज हमारे सामने शेयर करी है, जो कि अच्छा लग रहा है। और जल्दी से जल्द हमें साल 2023 में लोकी सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से महीने में रिलीज हो सकती है लोकी सीजन 2। चलिए उसके बाद बात करते हैं रूमर्स के अपडेट के बारे में। तो जिफ, जो कि ऑलरेडी कलेक्टर का रोल प्ले करते हैं, रूमर ये आ रहा है कि वो थॉर लव एंड थंडर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड अपडेट के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र एक काफी कमाल की सुपर हीरो यूनिक मूवी बॉलीवुड की, और इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है कल ही के दिन। तो आप मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, और जैसे इसकी टाइमिंग कंफर्म होगी ट्रेलर की, मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके। चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो एवेंजर्स एंड गेम के जो आर्ट डायरेक्टर थे रेमंड चैन, वो फाइनली अब डेडपूल 3 में प्रोडक्शन डिजाइनर का काम कर रहे हैं। उनको ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है इस मूवी के लिए, और जितना भी प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलेगा वो आपको रेमंड का देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड। तो थॉर लव एंड थंडर की रनिंग टाइमिंग ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है। रनिंग टाइमिंग है 1 घंटा 59 मिनट की, मतलब 1 आवर 59 मिनट्स की रनिंग टाइमिंग है, यानी कि 4 साल में जितनी भी अभी तक MCU की मूवी रिलीज हुई है उसमें सबसे स्मॉल मूवी है ये। 4 साल से पहले की तो मूवियाँ थीं, पर 4 साल में अब तक मार्वल ने बहुत ज़्यादा लंबी लंबी मूवी रिलीज करी 2-2 घंटे से ऊपर की, पर थॉर लव एंड थंडर 4 ईयर्स में अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट मूवी है, 1 आवर 59 मिनट्स। आपको क्या लगता है इस मूवी की रनिंग टाइमिंग कितनी होनी चाहिए थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बेहतर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।